एक क्वेश्चन और देखेंगे, पिछला क्वेश्चन समझ आ गया ना। बैलून है, इसमें कोई गैस प्रेजेंट है, इसमें कोई, या एक पहले कर लेते हैं फिर बताता हूँ। मान लो इसके, इस बैलून के अंदर ना से इक्वल मोल्स ना SO2 गैस का है, हीलियम गैस का है, CO2 गैस का है, N2 गैस है। इक्वल मोल्स है सबके, है ना, इक्वल मोल्स हैं इस बैलून के अंदर। मैंने इस बैलून को प्रिक किया नीडल से, एक बार प्रिक करने के बाद इसमें से गैसेस बाहर निकलेगी, उस इंस्टेंट के लिए प्रिक किया, फिर क्लोज कर दिया, फिर क्लोज कर दिया इसको। अब तुम बताना है अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है ना उनका प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ गया मेरा कि नहीं, बताओ प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा जल्दी से। सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सी गैस लगाई गई बंदर, पहले इक्वल मोल्स दिए थे। हाँ सर तुमने कर लिया SO2 है? हाँ, प्रेशर SO2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर प्रेशर CO2 का ज्यादा होगा, फिर प्रेशर N2 का ज्यादा होगा, फिर प्रेशर किससे ज्यादा होगा, हीलियम। पहले SO2, फिर CO2, फिर N2, फिर हीलियम, ये ऑर्डर होगा। किस किस को समझ आ गए ये, किस किस को समझ आ गए? हेमांग, मनन। हेमांग तेरा आंसर सही नहीं था क्या? हेमांग, मनन। असर मैंने बोला भी था अभी। अच्छा हाँ, तूने बोला सही है, ध्रुव, संयम। चलो फिर अब सुन लो, फिर चार पांच बच्चों को समझ आएगा, बाकी सिद्धि आंसर निकाला नहीं था क्या? गैस से निकाल लिया था, सेम था। हाँ सही। देखो इधर सबसे, अब तुमको देखो सबसे जो सबसे लाइटर गैस होगी, सबसे लाइटर गैस कौन सी है? हीलियम। चार मास है इसका AMU में, इसका 28 मास है, इसका CO2 का 44 है और SO2 का 64 है। तो SO2 गैस तो बहुत कम भागेगी ना, तो अंदर ज्यादा रहेगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। नहीं सही बात, चारों के अगर 10 10 मोल थे तो हीलियम गैस तो 10 10 में से 8 मोल निकल गई, ऐसे मान लो। सही है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ एक। और CO2 गैस, फिर हीलियम 8 मोल निकल गई, N2 गैस निकल गई 6 मोल, CO2 4 मोल, और SO2 सिर्फ निकलेगी 2 मोल, तो बचेगी ज्यादा अंदर कौन, 8 मोल SO2 बच जाएगी ना, इसलिए SO2 का प्रेशर क्या होगा सबसे ज्यादा, SO2 का सबसे ज्यादा। तो अब बताओ इसमें ड्रॉप इन प्रेशर किसमें ज्यादा है? ड्रॉप इन प्रेशर सर हीलियम में हीलियम के अंदर देखो 10 मोल थे, 10 में से 8 निकल गए, तो ड्रॉप इन प्रेशर कितना हुआ इसमें? ड्रॉप इन प्रेशर 10 से 2, 10 से 8, 10 से सीधा कितना हो गया प्रेशर, अब 10 से कितना हो गया प्रेशर, 2 2 हो गया ना, मोल्स के प्रोपोर्शन मान, समझ आएगा ना। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लिया मैंने 100 ml कोई गैस थी अंदर, 100 ml कोई गैस थी यहाँ पे, प्रिक किया नीडल से और फिर क्लोज कर दिया उसको। अब गैस रह गई 75 ml, 75 ml, तो अब ड्रॉप इन प्रेशर हुआ इसमें कि नहीं, कितने का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा? 100 ml थी और 75 ml रह गई अंदर गैस, यानी कितना मोल्स गैस के बाहर निकल गए, 1/4 मोल बाहर निकल गए, है ना। अगर 100 था तो 75 रह गई, तो कितने मोल बाहर निकल गए, 100 थे 75 बचे, इनिशियल कितने हैं 100, तो 1/4 मोल बाहर निकल गए कि नहीं, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, ड्रॉप इन प्रेशर का मतलब, सही ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ध्रुव कुछ पूछना है? ध्रुव रहता अच्छा सही। हाँ, अब एक चीज और पूछा, मैं प्रिक कर रहा हूं तो ये फ्यूजन है, वैसे डिफ्यूजन क्या है वो भी तुम्हें पता है। तुम ये बताओ इसके अंदर कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा डिफ्यूजन पे और इफ्यूजन, डिफ्यूजन पे और इफ्यूजन, इफ्यूजन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा डिफ्यूजन पे और इफ्यूजन?
नहीं, मैं बोला टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन पे क्या फर्क पड़ेगा? सर टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ वैसे, तो ये गैसेस के मॉलिक्यूल तेजी से बाहर निकल जाएंगे कि नहीं? नहीं समझे यस बात? एक्साइटेड हो जाएंगे तो और से भाग मैंने सकते। इसको गर्म कर दिया वेसल को, तो क्या होगा कि नहीं? डिफ्यूजन विल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, डिफ्यूजन विल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं इसके अंदर पिन होल करूं, एक मान लो ये कोई है बैलून, मैंने इसमें किया पिन होल, छोटा सा एक होल कर दिया, अब गैस यहीं से बाहर निकलेगी? अगर मैं टेम्परेचर, यही फ्यूजन होगा कि नहीं? अगर मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाया तो नो डाउट अंदर रेंडमनेस बढ़ेगी। क्या गैस के मॉलिक्यूल तेजी से बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक डायरेक्शन में ओरियंट होना है, यहां से निकलना है ना, इसे इसी डायरेक्शन में होना सबको कि नहीं? लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वो ओरियंट नहीं हो पाएंगे आसानी से, समझे कि नहीं? है तो इफ्यूजन कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, याद रखना। ये दोनों में न्यूमेरिकल्स में डिफरेंस नहीं मानते हैं, अदरवाइज तो समझ आ गया क्या चीज बताई मैंने? यस सर। हाँ हाँ इफ्यूजन कल का है वो, समझे कि नहीं? तो इफ्यूजन जो है वो डिक्रीज कर जाता है विद राइज इन टेम्परेचर, इफ्यूजन जो है डिक्रीज कर जाता है विद राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बहुत सिंपल वाली चीज हमने बता दी है। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट करना है, उसे एनरिचमेंट फैक्टर। इसके बहुत, मैंने तो बोला इसके नंबर का तुम चेक करोगे एडवांस के पेपर में, या नीट में, या आईआईटी मेंस में, हर जगह आए हुए क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है एनरिचमेंट फैक्टर। मान लाइटर गैस को, लाइटर गैस का अमाउंट क्या हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि तो लाइटर गैस तेज भागेगी ना, तो कहीं कलेक्ट ज्यादा कर सकते हैं तो कि नहीं? उसका रेशियो बढ़ जाएगा कि नहीं हैवियर गैस के कंपेरिजन? प्रोसेस, इसमें एक लाइन लिख देंगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ गैसेस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ गैसेस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ द रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स ऑफ देयर डिफ्यूजन। ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स ऑफ देयर डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज एटमोलिसिस, एटमोलिसिस, ATMOLYSIS, लिख लिया है? इसको एटमोलिसिस बोलते हैं। अब देखो, अब इसको बहुत ध्यान समझना, ये एडवांस लेवल पे पूछेंगे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनेंगे समझ आ जाए बस। यहाँ पे ये मान लो डिफरेंट कंटेनर्स हैं, एक लाइटर गैस है, एक हैवियर गैस है, मैंने उसको दोनों को पास किया, कंटिन्यूड है पूरा ये, चलिए ये कंटिन्यूड है पूरा। इधर मैंने एक ली है लाइटर गैस और एक ली है हैवियर गैस, मोल्स उनके हैं N1 N2 इनिशियली। अब इधर मोल जो बचे वो N1 डैश N2 डैश, इधर मोल जो बचे वो N1 डबल डैश N2 डबल डैश, मतलब तो ये चीज क्लियर है कितना, इतना कि नहीं? गैस भी हैवियर, इनिशियल मोल्स कितने थे N1, डिफ्यूज कितने हो गए वेसल बी में एन N2 डैश, और फिर N1 डैश में से कितना डिफ्यूज हो गया N1 डबल डैश और N2 डबल डैश, ये इतना समझ आ गया कि नहीं? अब देखो इधर रेट, अब मैंने बोला लाइटर गैस जो है ना फाइनली जाके एनरिच कितना हो जाएगी वो निकालना है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए बाय गैस बी 1 2 कर, ये क्या आएगा? N1 बाय N2 अंडर रूट में M2 by M1 आएगा कि नहीं? ये पहला पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया कि नहीं? ये तुम्हें सबको समझ आ गया होगा है ना? अब इस रेट 1 की जगह में N1 डैश बाय N2 डैश, टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से हर एक चीज क्लियर होगी कि N1 और N2 मैंने कैसे लिखे हैं। N1 और N2 कौन से वाले हैं? इनिशियल वाले हैं कि नहीं? N1 N2 कौन से वाले हैं? इनिशियल वाले, और N1, ये लाइन समझ आ गई कि नहीं? कोई डाउट है इसमें किसी को? पहले वाले कंटेनर में N1 N2 मोल्स थे, इसमें से N1 में से N1 डैश डिफ्यूज कर गए, N2 में से N2 डैश डिफ्यूज कर गए, जो लाइटर गैस है उसके ज्यादा डिफ्यूज करेंगे, जो
हैवियर गैस है उसके कम मोल्स डिफ्यूज करेंगे। मैंने अब रेट का फॉर्मूला लगाया है, तो रेट वन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लाइटर गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हैवियर गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, यही आएगा कि नहीं, और इज इक्वल टू इनिशियल मोल्स ऑफ गैस ए अपॉन में इनिशियल मोल्स ऑफ गैस बी। समझ आ गया अब कि नहीं, नोट कर लो इसे, कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी देखेंगे कि गैस कितने एनरिच हो, मैं देखूंगा तो मैं क्वेश्चन बना दूंगा इसका, अगर वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्वेश्चन बन जाएगा इसका, इजी क्वेश्चन बनाऊंगा मैं ताकि इसको यूज करना आ जाए फॉर्मूले। सर एनरिच होने का मतलब क्या है? एनरिच मतलब परसेंटेज बढ़ गई उसकी। अभी इधर जो मोल्स है ना, देख मैं इधर जो मोल्स है, अभी गैस के वाले जितना भी मोल्स है, हैवियर गैस के कितने मोल्स है, फाइनल जाके लाइटर गैस के मोल्स जो है बढ़ जाएंगे। यस सर, सही है, यस सर। अब देखो, अब अगले वेसल में, नेक्स्ट वेसल में मैं अगली लाइन जो लिख रहा हूँ ध्यान देना। अब इधर से इस वाले पार्ट से यहां से गैस डिफ्यूज करेगी इधर, क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो अब क्या आ जाएगा, दूसरी लाइन जो आएगी, अब दूसरी लाइन जो आएगी वही आएगी N1 डबल डैश डिफ्यूज बाय N2 डबल डैश डिफ्यूज इज इक्वल टू N1 डैश बाय N2 डैश अंडर रूट M2 बाय M1। यस सर। डाउट किसी को इसमें, समझ आ गया कि नहीं? ये मनन म्यूट कर ले। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट, अब इस N1 डैश और N2 डैश की वैल्यू पुट कर सकते हैं ऊपर से कि नहीं? जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, N1 डैश डबल डैश बाय N2 डबल डैश इज इक्वल, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये वाली N1 बाय N2 अंडर रूट में M2 बाय M1 का स्क्वायर। नहीं समझ आया? तो अगर सेकंड वेसल में गया, मतलब दो बार डिफ्यूज कराया तो स्क्वायर आया, दो बार डिफ्यूज, दो ऑपरेशन कराए तो स्क्वायर आया कि नहीं? दो स्टेप में तो स्क्वायर आया, तीन स्टेप में क्यूब आ जाएगा। और ये क्या है, फाइनल मोल का रेशियो, ये क्या है, इनिशियल मोल का रेशियो है कि नहीं? ये N1 डैश डबल डैश बाय N2 डबल डैश क्या है, फाइनल मोल का रेशियो। N1 बाय N2 क्या है, इनिशियल मोल का रेशियो। तो फाइनल मोल रेशियो जो अब फॉर्मूला आएगा, अगर n स्टेप्स होते तो पावर क्या आती, n n ऑपरेशंस होते या n स्टेप्स होते तो पावर क्या आती, n। समझ आ गया कि नहीं? तो लिख देना फाइनल मोल रेशियो बाय इनिशियल मोल रेशियो, फाइनल मोल रेशियो बाय इनिशियल मोल रेशियो, फाइनल मोल रेशियो बाय इनिशियल मोल रेशियो इज इक्वल टू M1 पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट में M2 बाय M1 पावर n। समझ आ गया कि नहीं? आगे समझ के नहीं? तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि और तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। किसी को पूछता तो तुम्हारा एक बार हैंड से करना, जिसको तुम्हें आगे एनरिचमेंट फैक्टर, बिल्कुल ये टॉप लेवल पे है, ये वाला टॉपिक हर कोई स्किप कर देता है, बुक्स में भी कम मिलेगा ये। इशिता, हिमांग, भव्या, रिदम, ध्वनि, सिद्धि, नवीन, ध्रुव, विश्वास, दृष्टि, हितेश, सचित, निमिषा, कुशाल, डिंपल, संयम, वैभव को समझ आ गया, डिंपल ने लेट ज्वाइन किया है, संयम समझ नहीं आया तेरे को? आ गया संयम, तेरा आ गया समझ। चलो अब एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो हाइड्रोजन इज टू हीलियम है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसका रेशियो था पहले 2:1, कितना रेशियो था, 2:1 का, इसका इनिशियल मोल रेशियो कितना है, 2:1। नाउ इट इज टू बी मेड से इसको करना है तुम्हें 64:1 करना है, कितना करना है, 64:1, 2:1 का रेशियो है दोनों का भी, और कितना करना है तुम्हें इसको, 64:1। तो कौन सी गैस को एनरिच कर रहे हैं, लाइटर गैस को एनरिच कर रहे हैं कि नहीं? तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे इसके, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू बी सिक्स निकाल लिया, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक इनिशियल मोल रेशियो ऑफ H2:1 2:1 6। तेरा भी आ गया, अरे तूने तो बहुत फास्ट निकाल लिया, अभी देखते सही गलत है वो देखते हैं अभी।
टेन गर्भ का है, सिक्स इसका अर्जुन का है, और सिक्स है अरिमन का, ट्वेल्व। अब चेंज क्यों कर रहा है आंसर, मतलब आंसर बहुत सोच समझ के दो। ये इधर कौन है, सिद्धि, हिमांग, आंसर बोलो इसका। हिमांग निकाला आंसर, सर अभी थोड़ा नेट ठीक नहीं चला तो स्क्रीन अच्छे से दिख नहीं रही, वो निकाल रहा हूँ बस, वो अपने क्वेश्चन सुन में आ गया। गर्व की नहीं, टेन टेन निकाला है हिमांग ने, और टेन निकाला है सबसे पहले गर्व ने, और टेन और किसने बोला पीछे भी, चलो देखो देखो, फाइनल मोल रेशियो 64:1, इनिशियल मोल रेशियो दोनों गैसेस का 2:1 इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आएगा, 4:2, हैवियर गैस का मास बाय लाइटर गैस का मास, पावर एन, इसी को तो एन शब्द लगेंगे। एक टाइम मैं करके इन दोनों के रेशियो को पास करता हूँ किसी हर्डल से, तो गैस कितने टाइम्स एनरिच होती है, रूट टू टाइम्स, गैस कितने टाइम्स एनरिच हो रही है, रूट टू टाइम्स, दोबारा पास किया फिर रूट टू टाइम्स, दोबारा पास किया फिर रूट टू टाइम्स, और मेरे को कितने टाइम गैस को एनरिच करना है, देखो 32 आ गया कि नहीं, ये 32 इज इक्वल टू रूट टू रेस टू एन, तो 2:5 इज इक्वल टू 2:n/2, तो एन बाय टू इज टू 5 और एन आ जाएगा 10। नहीं समझ, एन इज टू क्या जाएगा 10 एक। टू कैसे है, रूट टू रेस टू एन है ना, एन बाय टू कह रहा है ना तू, ये रूट क्या कर रहा है तू, ये अरमन रूट टू का मतलब क्या होता है, 2:2, तो रेस टू एन पहले से ही था, तो क्या जाएगा, अच्छा 64:1 अपॉन में 2:1, फाइनल मोल्स का रेशियो कितना है 64:1, इनिशियल कितना था, नहीं समझाया, मान लो इस रेशियो को मेरे को 128:1 करना होता तो क्या आंसर आता, 128:1 वाला जाता कि नहीं, मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन ये, तो ये जब मैं और क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें हो सकता है कि थोड़ा टफ हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ये बेसिक तुम्हें आना चाहिए, जो क्लियर है कि नहीं है, तो अभी मैंने तुम्हें बेसिक्स किसके कराए हैं, बेसिक्स किसके हुए हैं, ग्राहम्स लॉ के, सही ना, ग्राहम्स लॉ के बेसिक बता दिए ना, अभी नोट करेंगे आगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट केटीजी आइडियल गैस इक्वेशन की डिटेल को स्पेल करने के, केटीजी जिसे तुमने फिजिक्स में पढ़ा हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स का काम चलेगा, जिसने चैप्टर कर रखा है उसको कर रखा होगा पहले से, मेरे को जो चाहिए ना तुम्हें यहाँ पे याद हो जाए, काइनेटिक थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आइडियल गैस इक्वेशन की डिटेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, काइनेटिक गैस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्लियर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके पॉइंट्स नोट करना, और 8 के 8 पॉस्टुलेट अभी याद हो जाने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं ये। पहला पॉस्टुलेट क्या है कि हर एक गैस बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, जिनका मास, साइज, शेप क्या होगा सेम, एक गैस के लिए जैसे O2 गैस है, एक मोल O2 गैस है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे O2 के, 0.023 × -23, उन सब मॉलिक्यूल्स का मास, साइज, शेप क्या मानते हैं, सेम। लेकिन अगर मैं सेम चीज बोल दूं N2 गैस के लिए, तो अब O2 गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे और N2 गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे उनका मास, साइज, शेप क्या होंगे, डिफरेंट। पहला पॉइंट समझ आ गया कि नहीं, एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, different gas molecules differ from, every gas is made up of large number of molecules, ये बात, ये पॉइंट याद रहना चाहिए मेन। अब मैंने जो कहानियां सुनाई है तुम्हें उसको तुम खुद कर लेना, which have
सेम साइज शेप एंड मास, समझ गए नहीं, हैविंग सेम साइज शेप एंड मास। और वो मैंने जो बोला N2 गैस के मॉलिक्यूल, O2 गैस के मॉलिक्यूल, CO2 गैस के मॉलिक्यूल, हीलियम गैस के, क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, सेम होंगे, सबको मास डिफरेंट होगा ना, हीलियम का मास 4 amu है, N2 का 28 amu है, O2 का 32 amu है, समझ आ रही बात कि नहीं है। पहला पॉइंट लिखूं कि समझ आ गया तुम्हें, सेकंड पॉइंट याद करते रहना जरूर, सेकंड थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड और थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट गलत प्रूव हुए थे बाद में, दे वर प्रूव्ड फॉल्टी लेटर ऑन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेकंड पॉइंट है फोर्स ऑफ, पहले वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अभी मैं पूछूं यहां पे इस रूम के अंदर O2 गैस भी है, N2 गैस भी है, CO2 गैस भी है, सारी गैसेस हैं थोड़ा बहुत कि नहीं, मैंने पूछा उनका वॉल्यूम कितना है, तुम कहोगे पूरा रूम, उसका वॉल्यूम क्या है, पूरा रूम वॉल्यूम है उसका, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस की है, उसको मैं कंसंट्रेट करके लिखूं तो यहीं पे, यहां पे पूरे में थी, यहीं पे आ जाएगा इतने में कि नहीं, सारी गैसें आ जाएंगी इतने पार्ट में, नहीं सर, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो होंगे, गैस मॉलिक्यूल, मैं कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, वो नेग्लिजिबल कि नहीं, volume of gas molecules is negligible as compared to total volume of the gas, वो बहुत कम होगा, नहीं क्लियर हुआ, ये true कब होता है, only at high temperature and very low pressure, ideal gas question तभी वो ना true, समझ आएगा कि नहीं। तीसरा point और important, इसी वजह से real gas, इन दो points की वजह से ही, याद रखना ये direct question आता है, जैसे question देती है objective में, which two postulates were of kinetic fuel of gases but proved faulty later on, तो दो पॉसिबल कौन से हैं, वॉल्यूम नेगलिजिबल, अट्रैक्शन नेगलिजिबल, दो पॉइंट याद रहेंगे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे फोर्स ऑफ, ये कंटेनर है कोई, यहां पे मॉलिक्यूल चल रहे हैं, दोनों में अट्रैक्शन क्या होगी, नेगलिजिबल, इन दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, इन दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं है, इन दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं है, इन दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक फ्यूल ऑफ गैसेस, अदरवाइज अट्रैक्शन होती है, समझ गए कि नहीं है, force of attraction between gas molecules is negligible, force of attraction between gas molecules is negligible, लिख लिया, और ये तुम सोच भी सकते हो, force of attraction between gas molecules is negligible, अगर मान लो highly compressed gas है, highly compressed gas है, उसके ऊपर से मैंने pressure release कर दिया, हटा दिया, तो gas molecules क्या attach रहेंगे कि भाग जाएंगे उसके ऊपर, तो अट्रैक्शन क्या है इसका मतलब, नेगलिजिबल है, लेकिन ये पॉस्टुलेट क्या था, गलत था, ठीक है, गलत था, ये कुछ ना कुछ अट्रैक्शन जरूर होती। फोर्थ, सबके प्रूफ है सबके, जैसे मैंने पहले दो पॉइंट बोले ना, उन दोनों का प्रूफ है, पहले दो पॉइंट में जैसे मैंने हीट किया, वाटर को हीट किया, एक बाउल में वाटर लिया, उसको हीट किया, वेपर्स बन जाएंगे, उसका वॉल्यूम कितना होगा, वाटर के वॉल्यूम से कितना ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा कि नहीं, और कंसंट्रेट किया तो कितना, एक बाउल के अंदर पूरी गैस आ गई, आ गई कि नहीं, तो वॉल्यूम टोटल में गैस मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, नेगलिजिबल हुआ ना, एज कम्पेयर टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, समझ आएगा कि नहीं, और ये भी पता गया कि वो जो वाटर का था वो कितने मॉलिक्यूल से बना था, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना था कि नहीं, सब अलग अलग हो गए कि नहीं, तो ये पहले दो पॉइंट्स का प्रूफ था। थर्ड पॉइंट का प्रूफ, हाईली कंप्रेस गैस पे प्रेशर रिलीज किया, दो गैस मॉलिक्यूल दूर दूर भाग जाएंगे, इसका मतलब अट्रैक्शन क्या है, नेगलिजिबल। फोर्थ पॉइंट, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो नेगलिजिबल, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो नेगलिजिबल बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता गैस के ऊपर, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है गैस के ऊपर। अगर मैंने एक हैवी गैस ली ब्रोमीन, Br2 गैस ली, हालांकि Br2 लिक्विड होता है, मैंने हैवी गैस मॉलिक्यूल लिए ब्रोमीन के और ऊपर कर दी नाइट्रो गैस मॉलिक्यूल रख दी से O2, तो क्या O2 ब्रोमीन जो है ऊपर राइज नहीं करेगी क्या, ब्रोमीन भी तो ऊपर राइज करेगी ना, तो क्या इसमें ग्रेविटी का रोल है क्या, उसके तो नीचे आनी चाहिए, उसके तो नीचे आनी चाहिए कि नहीं, तो इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑल्सो नेगेटिव। पहला पॉइंट गैस मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगले तीन पॉइंट नेगलिजिबल वाले, अगले तीन पॉइंट क्या है, नेगलिजिबल वाले, कौन कौन से नेगलिजिबल, वॉल्यूम नेगलिजिबल, फोर्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज नेग्लिजिबल। और इसीलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्योंकि नेग्लिजिबल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्योंकि नेग्लिजिबल है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेंगे कि स्ट्रेट लाइन पाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन पाथ। क्योंकि अगर कोई ग्रेविटी का रोल होता, मैंने बॉल फेंकी है, बॉल फेंकी तो ऐसे पैराबोलिक पाथ फॉलो करके नीचे आएगी कि नहीं? नहीं आती। लेकिन अगर गैस मॉलिक्यूल्स हैं उस पे तो कोई ग्रेविटी रोल प्ले कर नहीं रही है, वो कैसे जाएंगे? स्ट्रेट जाएंगे। समझ गए कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना चीज का। फिफ्थ पॉइंट लगाना है इसमें, जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना वो डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर, गैस मॉलिक्यूल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन बट इन स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे लिख देना, सही है? मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन बट इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ कि नहीं? गैस मॉलिक्यूल्स मूव विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन बट इन स्ट्रेट लाइन। इसका प्रूफ तुम देख सकते हो। अगर मान लो कोई डार्क रूम है बिल्कुल, उसमें सन की रेज आ रही है किसी होल से, तो तुम्हें क्या दिखता है? कि डस्ट पार्टिकल दिखते हैं कि नहीं मूव करते हुए? दे मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन बट इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है कि नहीं? सिनेमा हॉल में भी देखना, प्रोजेक्टर से जब लाइट आती है तो क्या दिखता है तुम्हें? दिखता है कि नहीं स्ट्रेट लाइन में मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं? वही चीज है सेम। तो ये इसका प्रूफ था। सिक्स पॉइंट जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, अच्छा गैस मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे मान लो एक कोई गैस का मॉलिक्यूल है, ये नोट कर लेना, याद कर लेना इस बात को। मैं किसी एक काइनेटिक गैस इक्वेशन का प्रूफ दूंगा, वो प्रूफ फिजिक्स में है, मैं यहाँ पे हिंट दूंगा तुम्हें इसका। वो फिजिक्स में धारणा चीज का, मैं उसका हिंट दूंगा यहाँ पे। उसके लिए ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया कोई गैस मॉलिक्यूल है, वो डिफरेंट एक वेलोसिटी से यहाँ पे मूव करता है, वी वेलोसिटी यहाँ मूव कर रहा है। इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? तीन कंपोनेंट्स होंगे इसके। एक कंपोनेंट वी एक्स एक्स डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, एक जेड जेड डायरेक्शन। होगा कि नहीं? और अगर मैं वी वेक्टर को बोलूं, वेलोसिटी वेक्टर होता है, अगर वेलोसिटी को वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूं तो होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। होगा कि नहीं? वी वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? वी का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं? और इसमें काइनेटिक थ्योरी में ये अजम्पशन की हुई है कि तीनों डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो सेम हो। तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो क्या मैं वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर को थ्री वी एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? अगर एक्स डायरेक्शन में मानना है तो वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड ऑफ वी का स्क्वायर बाय थ्री आएगी कि नहीं? इसको भूलना मत, मैं आगे प्रूव नहीं कराऊंगा इसको। आगे मैं तुम्हें डायरेक्ट बोलूंगा कि x डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड जो होगी ये होगी, अगर वेलोसिटी उसकी v है। अगर ये x कंपोनेंट ले हम इसका x डायरेक्शन में, तो v स्क्वायर बाय 3 आएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, अजम्पशन है। प्रूफ तो फिर एंगल वगैरह सब निकालना पड़ेंगे ना, तो कितने एंगल पे जा रहा है इस x से, कितने y से जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो फिर जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है ना वही गलत हो जाएगी, और मैं इसको किसी एंगल पे ले लूंगा। समझिए कर भी नहीं? तीनों डायरेक्शन में हम इक्वल स्पीड मानते हैं, तो इसलिए 3v स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट एक्स डायरेक्शन में। अगर मैंने माना वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो 3v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर आएगा, और vx आ जाएगा v बाय 3 अंडर रूट में, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर बाय 3। सिक्स्थ पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? किसी को दोबारा तो नहीं पूछना ये? सेवन पॉइंट कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। सिक्स पॉइंट का प्रूफ समझ आ गया? सिक्स पॉइंट मैंने बोल दिया ना, प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द मॉलिक्यूल्स, प्रेशर एग्जर्टेड इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद देमसेल्व्स एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बोला क्या मैंने? लिख लो फिर। यस सर, बोल दिया जी। नहीं, ये तो मैंने
विद देमसेल्व्स एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, समझ गए कि नहीं है? और इसी से प्रेशर, ये तुमने देख रखा है जैसे फुटबॉल में एयर फिल करते हैं तो मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करते हैं और वॉल्स ऑफ फुटबॉल से भी कोलाइड करेंगे, तभी तो सही ना प्रेशर बनता है अंदर कि नहीं, साइकिल के ट्यूब में कह लो, बाइक के ट्यूब में, कार के टायर ट्यूब में, समझ गए कि नहीं है? सब में यही चीज फॉलो होती है। सेवंथ पॉइंट, सेवंथ पॉइंट, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी सेम होगी इन सबकी, है ना, और मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम, मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, याद रखना। मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या है? जैसे मान लिया मैंने किसी वॉल पे मास इनटू वेलोसिटी, है ना, ये कोई वॉल है, इस पे गैस का मॉलिक्यूल टकरा रहा है, ये गैस का मॉलिक्यूल क्या टकराया इसको वॉल पे, ये वॉल पे टकराया, मास इसका m था, वेलोसिटी x डायरेक्शन में x थी, mvx होगा मोमेंटम की नहीं, मोमेंटम होता ना मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, और जब ये वापस आएगा तो माइनस वाली स्पीड से आएगा, माइनस mvx, सेम मोमेंटम से आएगा वापस, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 2mvx, जीरो मत बोलना, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? mvx माइनस माइनस mvx, समझ आया कि नहीं? ये चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 2mvx, ये मैं यूज करूंगा, चेंज इन मोमेंटम और वेलोसिटी वाला कंपोनेंट, अगर याद नहीं रखोगे तो डेरिवेशन समझ नहीं आएगी, अगर मैं डेरिवेशन कराता हूं, समझ आया कि नहीं? तो ये याद ना, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है। और वैसे भी अगर इसका प्रूफ क्या है, अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं होती तो कुछ टाइम के बाद नहीं, ये मॉलिक्यूल ऐसे मूव करते रहते ना हमेशा, अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती तो कुछ टाइम बाद गैस मॉलिक्यूल्स कहां बैठ जाते, एनर्जी खत्म, नीचे बैठ जाते कि नहीं है? तो ये ऐसा तो नहीं होता है, तो कोलिजन कैसी होती है? परफेक्टली इलास्टिक, क्लियर हुआ कि नहीं? एट पॉस्टुलेट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kT होता है, प्रूफ कराऊंगा बाद में, अभी तुम याद रख लो, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर बढ़ा तो गैस मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं? स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कि नहीं? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और के यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इट इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इट इज इक्वल टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू, के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू आर बाय एन नॉट, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, के को कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बी ओ एल टी जेड M A N N, बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज इक्वल टू R बाय N नॉट, बट R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, 8.314 वैल्यू, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और N नॉट तो पता ही है तुम्हें मोल है, तो इसके इसको सॉल्व करेंगे अगर पूरा तो ये आएगा 1.38 × 10⁻²⁰ जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, क्लियर हुआ कि नहीं? लिख करके याद कर लेना इसको, भूलना नहीं इसको, लिख करके याद कर लेना जरूर, सही है, इसको लिख करके जरूर याद कर लेना, समझ आ गया कि नहीं है? तो ये केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सारे पॉइंट याद रखने हैं।